Good morning, students. I hope you did your previous homework. Now today my topic is parts of a computer. A computer has many parts. Computer के जो हैं different parts होते हैं. Each part perform a different function. Computer का हर part अलग function perform करता है. All of them together make a computer system. सभी parts मिलकर एक computer system बनाते हैं. Let us learn more about the different parts of a computer. हम computer के different parts के बारे में study करेंगे. Main parts of a computer. Computer के main parts कौन कौन से होते हैं? A computer has four main parts. Computer के main four parts होते हैं. First है central processing unit. The CPU is sometimes called the system unit. CPU को system unit भी कहा जाता है. CPU stands for central processing unit. CPU जो है हमारा central processing unit है. It is the brain of the computer. Computer का brain है वो किसे बोला जाता है? CPU को. All the calculation and processing are done inside the CPU. सभी calculation और processing जो है वो CPU के अंदर ही की जाती है. It stores information just like as our mind learns lesson in the classroom. CPU उसी तरह से हमारी information को store करके रखता है जैसे हमारा जो mind है वो classroom के अंदर जो हमें lesson revise करवाए जाते हैं, learn करवाए जाते हैं, जो वो हमारे mind के अंदर store होते हैं, इसी तरह जो computer की information है वो सारी किसके अंदर store होती है? CPU के अंदर. Some CPUs are called desktop units. कुछ CPU को desktop units भी कहा जाता है. जैसे ये desktop CPU है हमारा, ये हमारा CPU है. On CPU there are two buttons. CPU के two buttons होते हैं, power switch और reset. Power switch और reset. CPU has a floppy drive to insert floppy. CPU के अंदर एक floppy drive लगा होता है जिसके अंदर हम floppy insert कर सकते हैं. CPU has a CD drive. CPU के अंदर एक CD drive होता है जिसके अंदर हम CD को insert कर सकते हैं. Next है हमारा keyboard. Keyboard is an important और main input device. Keyboard एक हमारा important input device है. It has dozens of button called keys. कीबोर्ड के अंदर काफ़ी सारी कीज़ होती हैं. द स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ अबाउट 104 कीज़. जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके अंदर कितनी कीज़ होती हैं? 104 कीज़. वी कैन टाइप इन ए टू जेड, 0 to 9, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन मार्क एक्सेट्रा. सिंबल्स आर प्रिंटेड ऑन द कीज़. सभी सिंबल्स जो हैं हमारे इन कीबोर्ड्स की कीज़ के ऊपर प्रिंट किए होते हैं. इमेजिन ए बंच ऑफ कीज. अल्फ़ाबेट कीज़ कहाँ से? ए टू जेड. फंक्शन कीज़ कहाँ से कहाँ तक होती हैं? F1 to F12. नुमेरिक कीज़ होती हैं 0 to 9. और स्पेशल कीज़ होती हैं हमारी कुछ, जैसे बैक स्पेस, एंटर, डिलीट की, ये सब हमारी क्या होती हैं? स्पेशल कीज़. सम स्पेशल कीज़ आर रिटर्न, होम एंड स्पेस बार. माउस. द माउस इज़ ए वेरी कॉमन इनपुट डिवाइस. माउस हमारा एक वेरी कॉमन इनपुट डिवाइस है. इट हेल्प्स इन मूविंग द कर्सर ऑन द स्क्रीन. जो माउस है वो हमारे कर्सर को मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. यूजिंग ए माउस मेक्स इट ईजियर टू ड्रा पिक्चर्स और मूव वर्ड्स ऑन द स्क्रीन. जो माउस है वो हमारी कर्सर को इजीली मूव करने के लिए और पिक्चर ड्रॉ करने में हमारी हेल्प करता है. माउस इज़ कनेक्टेड टू सीपीयू. माउस को सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है एंड इज़ प्लेस्ड ऑन ए माउस पैड. और माउस को जो है माउस पैड के ऊपर रखा जाता है. नेक्स्ट है हमारा मॉनिटर. ए मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविज़न स्क्रीन. मॉनिटर जो है टेलीविज़न स्क्रीन की तरह दिखाई देता है. वट एवर वी टाइप ऑन द कंप्यूटर, कीबोर्ड अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर. जो भी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो हमें सब कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर. वी सी फिल्म्स, ड्रॉ पिक्चर्स एंड शेप्स एंड प्ले डिफरेंट गेम्स ऑन इट. हम इसके अंदर फिल्म्स देख सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, शेप्स, डिफरेंट गेम्स प्ले कर सकते हैं. मॉनिटर इज़ ऑफ थ्री टाइप्स. मॉनिटर के थ्री टाइप्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर, कलर मॉनिटर,
और एलसीडी मॉनिटर। ये हमारा मोनोक्रोम मॉनिटर है, ये कलर मॉनिटर है और ये हमारा एलसीडी मॉनिटर है। नाउ आई विल गिव यू होमवर्क, जो आपको अपनी नोटबुक में नोट भी करना है और लर्न भी करना है। पहले है ट्रू और फॉल्स। कंप्यूटर है बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कंप्यूटर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रू, एक कंप्यूटर वर्क्स ऑन इट्स ऑन, कंप्यूटर अपने आप काम कर सकता है। फॉल्स, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप काम नहीं कर सकता, वो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूज़र पर। डेस्कटॉप कैन बी कैरिड अलोंग ईजिली, डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना ईजी होता है, नहीं। फॉल्स, वी कैन वर्क ऑन ए लैपटॉप एनीवेयर, हम लैपटॉप से कहीं पर भी काम कर सकते हैं। ट्रू, ए पाम टॉप कैन फिट इन आवर पाम, जो पाम टॉप कंप्यूटर्स हैं वो हमारे पाम के अंदर फिट हो जाते हैं। ट्रू, फिल इन द ब्लैंक्स, ए कंप्यूटर इज़ ए वेरी डैश मशीन, यूजफुल। ए कंप्यूटर कैन डू डैश थिंग्स मैनी, लैपटॉप्स आर डैश पोर्टेबल। पाम टॉप कैन ऑल्सो बी पुट इन साइड द डैश पॉकेट। लैपटॉप्स आर ऑल्सो नोन एज डैश कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, नोटबुक कंप्यूटर्स। फिल इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द वर्ड्स, ये स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है। machine, मशीन, computer, कंप्यूटर, desktop, डेस्कटॉप, laptops. लैपटॉप्स, वट इज़ ए कंप्यूटर। अब है क्वेश्चन आंसर, कंप्यूटर क्या है। ए कंप्यूटर इज़ ए वेरी यूजफुल मशीन, कंप्यूटर हमारी एक यूज़फुल मशीन है। दैट मेक्स आवर वर्क ए लोट ईजियर, जो हमारे काम को बहुत आसान बना देती है। वट आर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या हैं। कंप्यूटर्स दैट आर कैप्ट ऑन डेस्क और टेबल आर नोन एज डेस्कटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर जिसको हम टेबल पर और डेस्क पर ईजिली रख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। वट आर पाम टॉप कंप्यूटर्स, पाम टॉप कंप्यूटर्स क्या हैं। स्मॉल कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैप्ट ऑन आवर पाम आर नोन एज पाम टॉप कंप्यूटर्स, छोटे कंप्यूटर जिसको हम आसानी से अपनी हथेली पर रख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पाम टॉप कंप्यूटर्स। वट आर टैबलेट्स, टैबलेट्स क्या हैं। टैबलेट कंप्यूटर्स आर स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर जो हैं स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर हैं। दैट आर ईजिली हेल्ड इन द हैंड, जिसको हम आसानी से हाथ के अंदर में पकड़ सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे टैबलेट। थैंक यू, ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं और राइट करने हैं। हैव ए नाइस डे।